हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सुबह के बज रहे 8:15। तो गाइस आज मैं और शिव जल्दी बात करके हो गए रेडी और हम लोग जा रहे हैं शिवगंज, जो कि यहाँ से 70 किलोमीटर, तो आना जाना हो जाएगा 150। बहुत दिन हो गए, 15-20 दिन थोड़ा बाइक लेके निकले नहीं, कोई काम होता है तो ही निकलते। तो अभी हम लोग फटाफट निकलते और बीच में हो गए तो बाइक को थोड़ा वॉश करवा देंगे। तो चलिए, तो गाइस चलिए अपनी शॉर्ट राइड स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी 8:15 हो रहे और पहुँचते अप्रॉक्स समझिए 9:30-10, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके चलते, 10 बजे तक पहुँच जाएंगे। फुल डे वहाँ पे रहेंगे और अपने वहाँ पे ऑफिस है, उधर रह के फिर आ जाएंगे, शाम को निकल जाएंगे 5:30-6 बजे तक। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल गए, अंकल आ गए, अंकल की क्या बोलते हो रेट्रो बाइक RS 100 आगे चल रही है। हम लोग एक्चुअली मैं और शी हम कल जाने का प्लान कर रहे थे पर लेट हो गया था, 11:15 बज गए थे, फिर सोचा कि चलो रहने देते। तो चलो कोई बात नहीं, आज 3 जन जा रहे, बढ़िया है। अंकल और चाचा भतीजे। तो गाइस देखिए, ऐसे छोटे छोटे पहाड़ बीच में आते रहेंगे और बहुत ही शानदार व्यू है, इसलिए हमने ये रास्ता चूज़ किया। और अंकल आगे आगे चल रहे हो, बता रहे कि ऐसा ऐसा है, देखिए अभी बोलेंगे कुछ। तो गाइस देखिए, रॉक एकदम पूरा एकदम फेस लग रहा है, कैसा पहाड़ है ये, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये, कैसा लग रहा है। हाँ वही। तो दोस्तों ये हमारे अंकल और इनके साथ हम राइड कर रहे हैं आज, तो बताइए कुछ यहाँ के बारे में अंकल। मेरे ये देसी है, यामा है। यामा RX 100 है? RX 125। तो ये मेरी पसंद है। अच्छा, और मैं ज़्यादातर ओल्ड बाइक ही एंटिक यूज करता हूँ। अच्छा, रेट्रो बाइक। और मेरे ऐसे भी 1944 MB विलेज है। अच्छा, तो गाड़ियों में भी मुझे विलेज पसंद है, शॉर्ट जिप। अच्छा, जिससे मैं एक्सपीडिशन के लिए वगैरह एडवेंचर्स के लिए वहीं से निकलता हूँ। आज हम चल रहे हैं सिर्फ इन थोड़ा एडवेंचरस राइड के लिए, थोड़ा शॉर्ट राइड करके आते हैं। शॉर्ट राइड है। तो हमारे ये भतीज वगैरह आए थे तो वो कह रहे थे चलो अकेला आप भी चलो, तो मैंने सोचा चलो मैं भी आपके साथ थोड़ा सा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, आगे चलो। तो गाइस ये रोड पे जब जाते हैं इस मतलब रूट से, तब देखिए इस टाइप से आपको पहाड़ देखने मिलते हैं, सुंदर एकदम, और पूरा आगे तक ऐसा ही है। देखिए हरियाली भी है, उस साइड पीछे रॉक्स भी है और सीधा भी आपको दिख रहा है रॉक। तो दोस्तों 40 किलोमीटर चलाने के बाद हम लोग ने लिया पहला ब्रेक और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए सोचे कि पहले गन्ने का रस पी लेते हैं और थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। और देखिए बहुत ठंडा ठंडा। सो गाइस फॉर अ चेंज भैया भी चलाएंगे यामा की RX, जो हमारे अंकल की एकदम विंटेज बाइक है, ये ट्राई करेंगे, सीख रहे हैं अभी कैसे चलाना है इसको। और अभी अंकल चलाएंगे KTM। तो गाइस देख सकते हैं सुपर बाइक पे इसका गियर समझ में नहीं आ रहा,
तो गाइस अभी अपन चला रहे, देखिए RS या RX पता नहीं, कंफ्यूजन है मुझे, जो भी है 125 cc, और आराम से पैर ऊपर रख के विंटेज यामाहा विंटेज बाइक। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं आगे कितना बढ़िया शानदार रोड है, और वैसे GoPro में मेरा चार्ज बहुत ही कम है, 10% ही बचा है। तो अभी हम लोग जब पहुंच जाएंगे तो मैं वहां जाके फिर फ़ोन से व्लॉग करूंगा, और वहां पे उम्मीद है कि सीट टाइप किसी के पास चार्जर हो जाए तो अपना GoPro चार्ज हो जाएगा। बाकी एकदम मक्खन रोड है ये वाला एकदम, देखिए भले इस पर 80-90-100 कितना भगाओ, पर अपन आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि कोई जल्दी नहीं है। तो गाइस हम लोग पहुँच गए शिवगंज, और यहाँ पे अंकल की बाइक थोड़ा धोखा दे दिया है। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच गए शिवगंज, और यहाँ पे हम लोग आए लंच करने जगदीश में, जो हमेशा जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं तो जगदीश में आते हैं, और बहुत ही अच्छा खाना है यहाँ का, मैं आपको दिखाता हूँ। बाहर गए थे काम से, बस आ गए अपने वापस ऑफिस में, अभी थोड़ी देर में निकलेंगे घर के लिए। One eternity later. तो गाइस अभी शाम के बज रहे 6:15 कुछ, और अभी हम लोग हमारे ऑफिस शिवगंज से जा रहे वापस रिटर्न घर। तो गाइस हम लोग निकल गए, और अंकल एक्चुअली बोल रहे थे कि तुम लोग निकल जाओ, मैं वहाँ से बस स्टैंड जाके बस में आऊँगा, और यही अगर 10-15 किलोमीटर होता तो हम लोग तीनों एडजस्ट होके पहुँच जाते, पर 70-80 किलोमीटर एडजस्ट होना मतलब, और ये ड्यूक में जो पीछे की पिलियन की सीट है वो तो फर्स्ट फ्लोर पे, और वो फिर मैं जो चला रहा हूँ थोड़ी नीचे, तो एडजस्ट होना भी डिफ़िकल्ट रहेगा। जो सेंटर में रहेगा वो ना उधर का रहेगा ना इधर का रहेगा, वो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो इसलिए अंकल ने बोला कि तुम लोग निकलो आराम से धीरे धीरे। तो ये सनसेट हो गया है, और जालौर यहाँ से 15 किलोमीटर खाली दिखा रहा है, बाकी एकदम देखिए अंधेरा भी हो जाएगा थोड़ी देर में, 15-20 मिनट में फुल।